दोस्तों साथियों, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं शहाब भाई के न्यू लेटेस्ट अपडेट लेकर। प्यारे दोस्तों साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको शहाब भाई के जानिब से आने वाली तमाम ही अपडेट्स देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि शहाब भाई ईरान में किस जगह पर सफ़र कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईरान में शहाब भाई का 280 किलोमीटर का सफ़र रह गया था और अब कितना सफ़र शहाब भाई को ईरान में करना है और कितनी दूर इराक बॉर्डर रह गया है, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखिए, वरना आपको पूरी जानकारी जो है वो समझ में नहीं आएगी। और वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों हम शहाब भाई के तमाम अपडेट्स कम समय में लाने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। दोस्तों साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शहाब भाई के टोटल सफ़र की, कि शहाब भाई को टोटल कितना सफ़र तय करना था केरला से मक्का मुकर्रमा के बीच में। तो लगभग 8,500 किलोमीटर का सफ़र शहाब भाई को केरला से मक्का मुकर्रमा के दरमियान करना था, जिसमें बताया जा रहा है जो अब तक का मुकम्मल सफ़र कर लिया है वो 4,600 किलोमीटर का सफ़र बताया जा रहा है जो शहाब भाई ने अब तक मुकम्मल कर लिया है। और उसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी भी लगभग 4,000 किलोमीटर का सफ़र शहाब भाई का बाकी रह गया है जो कि मक्का मुकर्रमा तक का है। और दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों कि शहाब भाई कहाँ सफ़र कर रहे हैं। तो ईरान का एक स्टेट है खोजिस्तान, वहाँ पर शहाब भाई लगातार सफ़र जारी रखे हुए हैं और शहाब भाई को अभी लगभग 240 किलोमीटर का सफ़र करना बाकी है। और कल के दिन शहाब भाई ने 40 किलोमीटर का सफ़र ईरान में तय किया था, तो लगभग अभी 240 किलोमीटर का सफ़र ईरान में बाकी है। और जो सबसे करीब में इराक बॉर्डर पड़ने वाला है वो सलामचा बॉर्डर है, यानी कि इराक बॉर्डर। इंशाल्लाह शहाब भाई बहुत जल्द सलामचा बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे और इराक में एंट्री ले लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शहाब भाई को इराक का वीज़ा बताया जा रहा है और मिल चुका है, और कुवैत का जो वीज़ा है वो अभी तक नहीं मिला है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी परेशानी आ रही है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी शहाब भाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कीजिए कि शहाब भाई का जो कुवैत का वीज़ा है वो भी मिल जाए, ताकि उनका कोई भी सफ़र अब रुक ना पाए बल्कि उनका सफ़र जारी रहे। इंशाल्लाह शहाब भाई के जो भी अपडेट्स होगी वो हम आपको इसी तरह से देने की कोशिश करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, शहाब भाई की जो भी बड़ी अपडेट्स आएगी वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएगी, इसलिए दोस्तों आप कहीं ना जाए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर आपको सच्ची पक्की और जेन्युइन अपडेट्स जानने और सुनने को मिलती रहेगी। और जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और बहुत जल्द उनके माँ बाप को हज मकबूल नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों अगर आपको शहाब भाई की वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल पर बने रहिए और शहाब भाई के ऐसे डेली अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं इंशाल्लाह शहाब भाई के ऐसे डेली अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रख